कभी अपराध के लिए जाना जाने वाला बेगूसराय का एक गांव अब बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का जरिया बनने जा रहा है। कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने वाला और शिक्षा की दृष्टि से जिले का सबसे पिछड़ा गांव मोहनपुर अब बेहतर शिक्षा की वजह से जाना जाता है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे देश के विभिन्न संस्थानों में अपनी एक अलग ही जगह बना चुके हैं। दरअसल इतना बड़ा बदलाव लोगों की सोच और सार्थक पहल की वजह से मुमकिन हो सका। यहाँ के लोगों के आर्थिक और शारीरिक सहयोग की वजह से ये सरकारी स्कूल बिहार सरकार के लिए एक रोल मॉडल बनकर सामने आए। यहाँ छात्रों के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ साथ उनकी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। स्कूल में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड और मिड डे मील की सुविधा भी दी गई। स्कूल में बच्चों को हाइजीन के बारे में भी बताया गया, जिससे वो खाने से पहले हाथ धोएं और अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकें। प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं पाकर बच्चे भी काफी खुश हैं। यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी बनाई गई। विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूल से भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर कक्ष, मधुबनी पेंटिंग, अलग से मैथ की पढ़ाई और हिंदी की पढ़ाई होती है। स्मार्ट क्लास में बताया जाता है किसी की जीवनी, किसी की कथाएँ के बारे में, और समाज के लिए अच्छी शिक्षा दी जाती है कि हमें बड़ों से कैसे बात करना है और समाज के लोगों के साथ कैसे रहना है। इस विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर, मधुबनी पेंटिंग समेत स्मार्ट क्लास की भी सुविधा दी जाती है। इन सुविधाओं के कारण बच्चे बड़े ही उत्साह के साथ स्कूल आते हैं। क्लासरूम से अलग माहौल मिलता है, डिबेट कर पाते हैं, बात सुन सकते हैं। द फीफा कप वर्ल्ड कप अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ सभी टीचर अपने विषय में अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा में हम लोग मैथ भी बनाते हैं और मधुबनी पेंटिंग, पेपर कटिंग ये सब भी सीखते हैं। इसके लिए अलग से टीचर लोग भी आते हैं। स्मार्ट क्लास भी है और हम लोग के स्कूल में स्मार्ट टीवी भी है, जिस पे हम लोग किन्हीं की जीवनी या गाथा का अध्ययन करते हैं और उसी से पेपर या मधुबनी कटिंग का टीवी से ही देख के हम लोग बनाते हैं। और यहाँ गांव समाज के लोगों से कैसे बात करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, इस सब के लिए भी शिक्षा दी जाती है। हम पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल का नाम शांति निकेतन इंग्लिश स्कूल था। जब मेरे पापा दो तीन आदमियों से बात किए तो वो आदमी बताया कि यह स्कूल अभी बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाई होती है। तब मेरे पापा ने दो तीन जो इस स्कूल के कुछ
कुछ महासचिव या कुछ है उनसे बात करके मेरा इस स्कूल में नाम लिखा दिए, मैं यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। स्कूल के शिक्षकों ने इस मुहिम को अपने हाथों में लिया और स्थानीय लोगों ने अपना सहयोग देकर उस मुहिम को सार्थक बनाया। इसका नतीजा ये रहा कि आज ये विद्यालय सरकारी डोनेशन का मोहताज नहीं है। इस विद्यालय में शिक्षा संबंधित जरूरत का हर सामान मौजूद है। यही वजह है कि विद्यालय में पढ़ रहा हर बच्चा देश को हर कोने में बिहार का नाम रोशन कर रहा है। ये तो बात सही है कि ये गांव अपराध के लिए जाना जाता था, लेकिन विद्यालय के उत्कृष्ट होने से गांव के लोग भी बदल गए और अब यह विद्यालय इस गांव के लिए एक प्रतिष्ठा की विषय बना हुआ है और लोग इनको अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार इसका विकास कर रहे हैं। और ये गांव का यह विद्यालय जिले और राज्य के अन्य विद्यालय के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा बहुत से अनुदान मिलते रहते हैं, उनका देख रेख होता है, संरक्षण देते हैं, सहयोग देते हैं। अभी तक गांव वाले कुछ जमीन विद्यालय का कम हो रहा था बिल्डिंग बनाने में, तो वो जमीन दान दिए, ये कीमती जमीन, और इसके उपरांत सोलर प्लेट, 4 या 5 कंप्यूटर और जनरेटर, इसके उपरांत पुस्तकालय के लिए फर्नीचर, डेकोरेशन का सामान जितना भी है इन्होंने ग्रामीण अभी तक ये योगदान दिया है। और जब कभी भी जरूरत पड़ता है तो ग्रामीण से हम लोग मदद लेते हैं। मेरा क्या सामाजिक बदलाव मानते हैं, जहां अपराध के लिए लोग हथियार खरीदने के लिए चंदा इकट्ठा कर देते हैं, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए चंदा देते हैं। ये इस गांव के युवक पढ़ते नहीं थे, बहुत कम शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत कम था। अब यहाँ इस स्कूल से पढ़ी हुई बच्चियाँ अभी JNU में पढ़ रही है और दर्जन से भी अधिक बच्चियाँ और लड़के BHU में पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े संस्थानों में यहाँ के बच्चे अब जाके पढ़ रहे हैं। एक बदलाव सा हो गया है और वो लोग आके विद्यालय विजिट भी करते हैं और उनका आश्वासन भी रहता है कि विद्यालय को मदद भी करेंगे। प्रधानाध्यापक के रूप में तो मैं मानता हूँ कि विद्यालय बच्चों के लिए उपयोगी है और सबसे जिस समाज और जिस सोसाइटी के बच्चे आ रहे हैं उसको बहुत कुछ दे पा रहा है। और यहाँ के अभिभावकों को यह नहीं लगता है कि हमारे बच्चे निजी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, इसका अफसोस नहीं होता है, उन्हें एक अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, इसलिए यह बिहार सरकार के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय घोषित हुई है। स्थानीय लोगों द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए काफी मेहनत की गई। स्कूल में लगा काफी सामान उनके द्वारा मुहैया कराया गया ताकि उनके बच्चों को बेहतर माहौल में बेहतर शिक्षा मिल सके। जी, आज तो मेरे गांव में काफी बदलाव आया है। आज से बहुत साल पहले हमारे गांव में एक SP राजवर्धन शर्मा बेगूसराय के थे, तो वो आए हुए थे, कुछ क्राइम की घटनाएं हुई थी बेगूसराय में जिसमें जेल ब्रेक हुआ था, उसमें हमारे गांव के भी कुछ लोग संबंधित थे। उस पर हमारे गांव में उन्होंने जनरल मीटिंग किया था और इसी स्कूल पे जहां मैं खड़ा हूं, उन्होंने कहा कि अगर यही हालत रही तो इस गांव की बच्चे की शादी बाहर नहीं हो सकी। मैं बच्चा था उसमें, मुझे बहुत खराब लगा ये चीज़, और मैं वक्त का इंतज़ार किया और जब मैं पढ़ लिख के नौकरी किया उसके बाद फिर सेवानिवृत्ति के बाद गांव में रहने लगा, हमने सोचा सबसे पहले इसी को सुधार करना है। क्योंकि उनकी वो बातें याद थी और हमको लगा कि जो हमारे गांव का पहचान क्रिमिनल से है वो पहचान विद्यालय से है। तो फिर मैंने यहाँ के गांव के बच्चों को संगठित किया, लड़कों को, और वो लोग भी साथ दिए। फिर धीरे धीरे समाज और स्कूल के प्रबंधक के मेल से हम लोगों ने इस विद्यालय को इस तरह आज तैयार किया जो आपके सामने। वो तो मेरा कहना है अगर इस तरह से ही समाज के लोग हर जगह अगर सरकारी विद्यालय के साथ जुड़ें, इसको देखें, केवल ये नहीं सोचें कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, तो बिहार का लगभग हर सरकारी विद्यालय ऐसा हो सकता है। विद्यालय के संबंध में मेरा ये कहना है, अगर गांव के लोग स्कूल से जुड़ते हैं तो स्कूल बहुत आगे जा सकता है। और यही कारण है कि गांव के लोग जब इस स्कूल से जुड़े तो आज मेरा विद्यालय मेरे गांव का ही नहीं, बेगूसराय का ही नहीं, पूरे बिहार का ये अलग पहचान है और इसकी अलग प्रतिष्ठा है। और हम लोग इस स्कूल को
इस हिसाब से देखते हैं कि मेरा विद्यालय, मेरी प्रतिष्ठा जो कि यहाँ का मेन थीम है। पहले गांव का क्या पृष्ठभूमि था और अब क्या चेंजिंग हुआ है शिक्षा को लेकर? शिक्षा व्यवस्था तो सर यहाँ था ही नहीं, एकदम से ध्वस्त था, कोई शिक्षा नाम की चीज ही नहीं थी। 2006 से पहले और 2006 के बाद कोई मतलब तुलना ही नहीं। 2006 से पहले सिर्फ ही खंडहर में तब्दील, और 2006 के बाद दो सर आए, संजय सर और राजेश सर, दोनों ने इस स्कूल का कायाकल्प कर दिया। उसके बाद विनय सर का आगमन हुआ है, वो यहाँ के हेड मास्टर हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। यहाँ के बच्चे अभी JNU में हैं, PG कर रहे हैं, BHU में 10 बच्चे हैं, देश के हर कोने में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, हर जगह हैं। गांव के लोग तो इतना कर रहे हैं कि जो एक बार गांव के ग्रामीणों के नज़र में आ जाए, ये समरसेबुल नहीं है, ये नहीं है, जनरेटर या सौर चैनल प्लेट हॉल, जितना चीज अगर एक बार सर बोल दें तो वो तुरंत हाजिर है। ये स्कूल नहीं, ये अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है सर, यहाँ से रिसर्च करते हैं जो हम बच्चे को क्या समाज और देश के लिए, राष्ट्र निर्माण में हमारे बच्चे कितनी भूमिका निभा। दिन रात होने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट ने यहाँ के लोगों का अमन और चैन पूरी तरह से छीन लिया था, लेकिन धीरे धीरे इस गांव के लोगों ने अपनी सोच को बदला और शिक्षा को ही एक हथियार बनाकर अपराध से लड़ने का संकल्प लिया, जिसमें वो पूरी तरह से सफल रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज गांव का हर बच्चा एक अच्छी शिक्षा और संस्कार लेकर बड़ा हो रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।